तो यूपी में जब से योगी सरकार आई है, यूपी की तस्वीर बदली बदली सी दिख रही है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि यूपी की आवाम कह रही है। जी हाँ, यूपी की जनता योगी सरकार की मुरीद हो गई है। लोगों का कहना है कि जब से योगी सरकार आई है तब से राज्य में किसानों की जिंदगी खुशहाल हो गई है। लड़कियां बेफिक्र होकर घर से बाहर निकल सकती हैं। शिक्षा व्यवस्था में भी काफी सुधार हुआ है। चलिए अब आपको सुनाते हैं बिजनौर के लोग योगी सरकार के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। योगी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, किसानों का कर्ज माफ करके बहुत बढ़िया काम किया है और आगे भी ऐसा ही काम करते रहेंगे। हमारे देश के किसानों की बहुत पोजीशन खराब थी, ये कर्जा माफ करके उन्हें कुछ राहत दी गई है, जिससे कि किसानों को थोड़ा सा राहत मिलेगी, उनका उद्धार होगा थोड़ा सा। जो योगी सरकार द्वारा एंटी योगी दल बनाया गया था, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो बहुत अच्छा किया, बहुत लड़कियाँ बहुत परेशान रहती थी, गुंडे मंत्री उन्हें परेशान किया करते थे, अब थोड़ा सा उनका पुलिस ने उनको चलाया है, लड़कियाँ औरतें थोड़ा सा सही टाइम पे आती जाती हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है इस किसानों का कर्जा माफ करके, और इससे हर किसी को फायदा है। सरकार ने बहुत अच्छा किया है, अब लड़कियाँ बेखौफ होकर बाजार में आ रही जा रही हैं, तो उससे बहुत अच्छा है कि किसी को किसी बात का कोई डर नहीं। चौराहे पे जगह जगह लड़के खड़े रहते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब बेखौफ लड़कियाँ निकल सकती हैं। अच्छा, जो पुलिस द्वारा इनकाउंटर बदमाशों को इनकाउंटर किया जा रहा है, क्या वो सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा। मतलब गलत काम का गलत नतीजा है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर उससे बदमाशों को सबक मिल गया है, अगर दो चार और एनकाउंटर करे जाएंगे तो आगे के लिए बदमाश ये हरकतें नहीं करेंगे। योगी सरकार जी ने जो ये कर्जा माफ करने का वो उठाया है, बहुत अच्छा उठाया है, क्योंकि किसान लोग अपनी आत्महत्या कर लेते, जैसे उनका परिवार का पालन पोषण नहीं होता था, परिवार अपने आप में मतलब कमजोर समझता था। उन्होंने बहुत अच्छा किया है, मैं मानूंगी कि योगी सरकार ने बहुत ही अच्छा किया है। ये जो एंटी रोमियो दल बनाया गया था योगी सरकार द्वारा, जिसके कारण मनचले रुख्तों पर लगाम कसी जा सकती है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि योगी सरकार द्वारा ये कदम कैसे उठाया गया? ये भी मैं कहूँगी बहुत अच्छा उठाया, जैसे कि लड़कियाँ स्कूल जाती थी, स्कूल जाने से थोड़ा सा डरती थी, और उनके माँ भी पहुँचते सोचते थे कि मेरा बच्चा गया है तो स्कूल से कैसे तरीके से वापस आएगा, उसके साथ कोई गलत दुर्घटना ना हो जाए, तो उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। किसानों का कर्जा जो माफ़ किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है, क्योंकि किसान जो है वो कर्जे में दबा हुआ था, और इसलिए वो इससे कुछ मुक्ति उसको मिल पाई है, जो आत्महत्या कर रहे थे उससे बचे। योगी सरकार अपने स्तर से बहुत अच्छा काम कर रही है, जो उसने किसानों का कर्जा माफ़ किया है वो अपने आप में बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि किसान हमारे देश का बहुत गरीब है और उसके द्वारा कभी ना कहीं आत्महत्या करते रहते थे, जिसके कारण उन्हें परेशानी होती थी। आज उनके किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें आर्थिक मदद मिली है। इसके लिए योगी सरकार का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने किसानों के बारे में सोचा। तो चलिए, बिजनौर के बाद अब बुलंदशहर की ओर रुख करते हैं। वहाँ की आवाम योगी सरकार के बारे में क्या कुछ सोचती है, आइए जरा वो भी आपको सुनाते हैं। मिला, एक तो दंगा नहीं हो पाया है, जो सबसे ज़्यादा मूल कारण यहाँ का रहा है सांप्रदायिक, उस पर कमी आई है। दूसरे, सड़कें भी बनी हैं, विकास भी चल रहा है, और सबसे ज़्यादा है, देखिए चाहे उसे आप सांप्रदायिक माने या वास्तविक माने, हिंदुत्व की भावना में बढ़ोतरी हुई है, जो हमें 70 सालों से नहीं मिल पा रही थी। जिस सरकार की, जिस पार्टी की सरकार है ही, वो अपने वोटर्स को ही करती थी। बिजली की पूरी व्यवस्था हो रही है इस सरकार में, और किसानों से संबंधित जो गाय भैंस की चोरी होती थी वो बंद। फायदा मिला सर, बहुत फायदा मिला। योगी सरकार में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही, किसानों की मोटर चोरी नहीं हो रही, लाइट खूब आ रही है, और किसानों के बिल भी माफ हो रहे हैं, कर्जा माफ हुआ है। हाँ, कर्जा माफ हुआ है। अब योगी सरकार में इससे क्या, DAP टाइम से मिल रही है, पहले बहुत दिक्कत होती थी, DAP 6-6 महीने पहले रखी जाती है, अब ऐसा कुछ नहीं है, कोई ओवर रेटिंग नहीं है, पहले ओवर रेटिंग ली जाती थी। और क्या, मैं जी मुझ पर भी 1 लाख कुछ का कर्ज था, मेरा माफ हुआ है 1 लाख रुपये, और बहुत सारी उम्मीदें पूरी होंगी। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार हो रहा है, नकलबंदी पर एक तरीके से अंकुश लगता दिखाई दे रहा है, और जैसे एक भारत बदल रहा है, ऐसे उत्तर प्रदेश को बदलने का एक मौका
यहाँ मिल रहा है, लोगों के अंदर जागरूकता और परिवर्तन की एक लहर दिखाई दे रही है। अच्छा, क्या क्या फ़ायदा सरकार आने पर लोगों को मिला है, आपको मिला है? सड़क है, बिजली है, कुछ? सड़क परिवहन के मामले में काफ़ी सुधार दिखाई दे रहा है, और बिजली, मैं मान रहा हूँ कि बिजली जो पहले समाजवादी सरकार में आती थी उससे कहीं दुगनी बिजली हमें यहाँ पर मिल रही है। योगी सरकार जब आई है तब से प्रथम तो महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही थी सब खत्म हो गई है। उन्होंने रोमियो फोर्स बनाई जिससे बहुत लाभ हुआ है। हमारी बहनें महिलाएं निकलने में संकोच नहीं करती हैं, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। और उसके अलावा जितने भी एनकाउंटर हो रहे हैं, जितने बदमाश थे, सब मारे जा रहे हैं। जब बदमाश खत्म हो जाएंगे तो अपने आप ही कानून का राज स्थापित हो जाएगा, उससे आम आदमी को लाभ मिलेगा। और बिजली पर्याप्त आ रही है, पहले देखते थे बिजली कितने घंटे आती है, अब देखते हैं कब जाएगी। तो फ़ायदा बहुत कुछ मिला है, सड़क भी अच्छी बनी है, कानून भी अभी ठीक चल रहा है, और टीचर जैसे टाइम पे नहीं आते थे, भ्रष्टाचार चलता था, अब वो भी ख़त्म हो चुका है। मतलब बहुत काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत अच्छा सहयोग है, बहुत बढ़िया। योगी सरकार सही चल रही है, बहुत बढ़िया, काम भी बढ़िया हुआ है, सब कुछ है। तो चलिए, बुलंदशहर के बाद अब मथुरा की आवाम ने अपने दिल की बात कही योगी सरकार को लेकर। क्या कुछ कहा उन्होंने, अब वो भी सुनते हैं। जो हमारे किसानों को 1,00,000 रुपया ऋण माफ किया है योगी सरकार जी ने, तो ये उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान लोगों को बहुत राहत मिली है और बहुत अच्छा काम किया है, और जो भी काम योगी जी कर रहे हैं वो सारे अच्छे काम कर रहे हैं। योगी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके देखते हुए, उनकी एक्टिविटी देखते हुए तो लग रहा है कि बहुत अच्छा करेगी हमारी सरकार जी। और जिस तरीके से हमारे अधिकारीगण और सब बहुत अच्छी तेज़ी से काम कर रहे हैं, उससे अच्छा ही लग रहा है। मुझे योगी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि आजकल जो योगी सरकार कर रही है वो अच्छा कर रही है और आगे भी बहुत अच्छा करती रहेगी। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि वो जो आजकल शराब की दुकानें हैं वो भी सब बंद हो जाएं और काफ़ी फील्ड में काफ़ी अच्छा अपना वो करें। क्या और नया होना चाहिए योगी सरकार की? और नया होना चाहिए, उन्होंने आजकल लड़कियों के लिए काफ़ी सारी सिक्योरिटी दी है, और भी आगे उम्मीद करेंगे आगे और अच्छा होगा। योगी सरकार बनी है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, और वो अभी तक जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आगे मैं उनसे बस यही उम्मीद करती हूँ कि हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड एज लोग हैं, उन लोगों की बहुत ज़्यादा कंडीशन हुआ है। मैं चाहती हूँ ओल्ड एज होम ज़्यादा से ज़्यादा बने, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलें। अभी तक योगी सरकार से हमें बहुत उम्मीद है, अभी तक जो इन्होंने फैसले लिए हैं उनसे काफ़ी खुशी भी हुई है। लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा ये और जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में है और मेडिकल वगैरह के क्षेत्र में है, उसमें भी जैसे आजकल डॉक्टर वगैरह हैं वो पहले पैसे जमा करते हैं फिर मरीज का इलाज शुरू करते हैं, थोड़ा इसी तरफ भी ध्यान दें कि किसी के पास पैसे हैं नहीं है लेकिन उसको इलाज मिल जाए, इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि और बिना टेस्ट के हर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अलग अलग टेस्ट लिखते हैं, एक दूसरे के टेस्ट कोई मानता नहीं है, उस पर ज़्यादा खर्च होता है। तो मतलब कहीं भी हम टेस्ट कराएं उनको डॉक्टर वगैरह माने, इस तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और स्कूलों की फीस, जो ये प्राइवेट स्कूल हैं वो फीस दिन पे दिन बढ़ा रहे हैं, कभी बुक्स की कभी कुछ, तो उसको थोड़ा ध्यान दें, उन पे भी कंट्रोल करना चाहिए। तो योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद 80 घाट की तस्वीर काफ़ी बदली हुई नज़र आ रही है। 2 साल पहले भी देखा, आज भी देखा, बहुत पहले बचपन से देख रहे हैं 80 घाट, बहुत ज़्यादा फर्क है। 2 साल पहले यहाँ मिट्टियाँ लदी होती थी, जगह जगह गंदगी कूड़ा लदा रहता था, यहाँ पे ऐसे सीवर बह बह के आता था। और जब से प्रधानमंत्री अपने मोदी जी आए हैं तब से बहुत हालात सुधरा हुआ है, ये सब पत्थर लग गए हैं सीढ़ियों पे, सफाई रहने लगी है, जगह डस्टबिन लगे हैं, आए दिन रंगारंग कार्यक्रम होते रहते हैं यहाँ सुबह बनारस के मंच पे, बहुत कुछ बदला है, बहुत साफ़ सफाई रहती है, अब ज़्यादा पर्यटक भी बढ़े हैं, पहले उतने पर्यटक यहाँ नहीं आते थे गंदगी की वजह से। यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं, इसका रिनोवेशन हो गया पूरे इस घाट का, काफ़ी कुछ बदलाव दिख रहा है। साफ़ सफाई तो हुई है, वैसे परिवर्तन आने को तो थोड़ा बहुत तो वक्त लग ही जाएगा। मुझे क्या लगता है घाटों की सफाई के बारे? घाटों की सफाई तो शुरू है बॉस, नहीं शुरू है, और एक हद तक काफ़ी कुछ परिवर्तन दिख रहा है यहाँ पे। सफाई दिख रही है घाट में? सफाई दिख रही है घाट में, पहले से तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो पहले संकीर्ण था, आज थोड़ा सा फर्श दिख रहा है, स्पेस ज़्यादा कुछ स्पेस दिख रहा है, पहले जैसे संकीर्ण था यहाँ का माहौल,
आज यहाँ का माहौल बहुत अच्छा सा दिखता है। साफ़ सुथरा पर भी यहाँ बहुत सारे पहले से आज में बहुत सारा सुधार है। गंदगी की रही बात गंदगी की, तो यहाँ पे अस्सी घाट पे बहुत पहले हम लोग आया करते थे, उसमें बहुत सारा कचरा गंदगी था, लेकिन आज के डेट में तो यहाँ आने पे कुछ सुकून मिलता है। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला इंडिया वॉइस पर जारी रहेगा। नमस्कार।